जी दोस्तों, उज्ज्वल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपना कुछ एक विशेष सेशन लेकर के। चलिए बात करते हैं। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, 8 सितंबर को जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनका क्या हुआ, निधन हुआ। और इनके निधन पर एक घटनाक्रम ऐसा हुआ, इनके निधन पर जब इनका अंतिम संस्कार चल रहा था, जैसा कि आप लोगों को पता है, इनका काफी दिन तक इनके शरीर, इनके जो बॉडी थी उसको घुमाया गया, लोगों को दर्शन कराए गए, बड़े राजशाही अंदाज में इनका क्या किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। तो यहां इनके अंतिम संस्कार में ऐसा क्या हुआ जिसको देख करके देश भड़क उठा और भयंकर गुस्से में हो गया, जो कि वो देखने लायक चीज थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक बार आज का जो विषय है, जैसे कि आज की जो जानकारी है, एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार पर कौन सा देश आपका भड़क उठा, भड़का या भड़क उठा, एक ही बात। तो एलिजाबेथ जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी, आपको पता है, बता देता हूं। दूसरी बात ये, इनका जो निधन हुआ कब हुआ, 8 सितंबर को इनका निधन हुआ। कहां पर हुआ, स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था, बलोरल में हुआ, 96 ईयर में इनका निधन हुआ। ठीक है, लंदन के वेस्ट मिनिस्टर एबे में इनका क्या किया गया था, अंतिम जो संस्कार था वो यहां पर किया गया। अंतिम संस्कार कहां पर हुआ इनका, अंतिम जो संस्कार की अगर मैं बात करूं, संस्कार कहां पर हुआ, यहीं पर हुआ। ठीक है, ओके भाई, अब बात करते हैं ऐसा क्या हुआ यहाँ पर। तो इससे पहले मैं ये बताऊं कि ऐसा क्या हुआ, उससे पहले आप लोग एक छोटी सी जानकारी और लेंगे। देखिए, ये कितने वर्ष की थी आपकी, 96 ईयर की थी। और इन्होंने अगर मैं बात करूं तो जॉर्ज सिक्स का, इनसे पहले अगर जो कोई राजशाही अंदाज में अगर किसी का दाह संस्कार हुआ था, तो ये इनके पिता थे जॉर्ज सिक्स, इनका अंतिम संस्कार हुआ था 70 वर्ष की आयु में, 70 साल पहले, सॉरी, जॉर्ज सिक्स का जो हुआ था 70 वर्ष पहले। और अब तक का कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा राजशाही अंतिम संस्कार था एलिजाबेथ द्वितीय का, भाई अब तक का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार था। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो आपका था, इसमें हमारी तरफ से भी, भारत की तरफ से भी, राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू हैं, इन्होंने जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने भी इनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था। जब इन्होंने हिस्सा लिया और वहां पर कुछ ऐसा हुआ, तो उसकी हम एक बार यहाँ पर बात करेंगे, हुआ क्या। देखिए यहाँ पर कैली हैरिस हसी है, ये इनका जो संबंध है, ये कहां से है, ताइवान से है भाई, ताइवान, ये ताइवान के राजदूत है। ठीक है, ओके, अब समझना भाई इस बात को, ताइवान के राजदूत है। और लेक्स्टर हाउस के अंदर एक शोक पुस्तक थी, जितनी भी जो लोग गए थे, जो विजिटर्स थे, जिन्होंने शोक सभा में कह सकते हैं, या शोक जो प्रोग्राम था राजशाही अंतिम संस्कार में जो हिस्सा लिया था, उन लोगों ने इस शोक पुस्तक पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, याद रखना। यानी कि वो किसी एक देश की तरफ से है हस्ताक्षर की, अगर मैं बात करता हूं तो, जिसने भी किया वो किसी एक देश की तरफ से किया। अब यहां पर सीधा सा मतलब ये निकल करके आता है कि ताइवान के जो केली हसी हैं, इन्होंने इस शोक पुस्तक पर अगर दस्तखत किए हैं, सिग्नेचर किए, तो इसका मतलब ये कि ब्रिटेन ताइवान को एक अलग देश मान चुका है, ब्रिटेन ताइवान को एक अलग देश मान चुका। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन भड़का होगा। अब इससे पहले चीन अपने आप को यह बोलता है कि जो ताइवान है वो किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। यहां इनके दाह संस्कार के अंदर जो केली हसी हैं, जो राजदूत हैं, कहां के, ताइवान के राजदूत हैं, लेक्स्टर जो हाउस है, यहां पर जो शोक पुस्तक थी उस पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, साथ ही आपके यहां पर जो इनके जो विदेश प्रवक्ता है माउनिंग, जो कि इनका संबंध कहां से भाई, इनके संबंध की बात करूं तो मैं चीन से, ये विदेश प्रवक्ता कहां के, चीन के हैं। इन्होंने बोला कि डीपीपी डेमोक्रेटिक जो आपका प्रोग्रेसिव पार्टी है, उसने ये गलत किया है। ठीक है, उनका ये, इन्होंने ये गलत किया है, ताइवान चीन का हिस्सा है, और इस बात को लेकर के ये पूरा का पूरा भड़क गया, एकदम गुस्से में आ गया चीन कि ये क्या हुआ। इससे पहले यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष हैं लिंडसे हॉयर, इन्होंने एक कमेंटमेंट दी कि भाई यहां पर चीन ने क्या किया, चीन ने अपने राजदूत को रानी के, चीन ने अपने राजदूत को रानी के जो अंतिम संस्कार था उसमें जाने से मना किया। तो ये आपका यहां पर बड़ा शानदार एक आपका जानकारी आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सा विवाद उभर कर के आया था इनके दाह संस्कार पर। तो चीन और ताइवान का विवाद उभर कर के आया सिर्फ इस वजह से कि कहीं ब्रिटेन ने इसे एक राष्ट्र की मान्यता ना दे दी, या सिग्नेचर किए तो राष्ट्र तो हो ही गया, ऑटो सिस्टम से वो एक किस्म से कह सकते कि मान्यता उसको मिल ही चुकी है, और इस बात को लेकर के चीन एकदम गुस्से में हुआ। तो ये एलिजाबेथ
द्वितीय के अंतिम संस्कार की बात है, और ये अब तक का सबसे बड़ा शाही अंतिम संस्कार था। इससे पहले जो आपकी सेनेटर थी कहाँ की, यूएस की सेनेटर थी कह सकते हैं, कौन थी आपकी, नैन्सी। नैन्सी ने जब दौरा किया ताइवान का, तो उस बात को लेकर के भी आपके जो चीन ने काफी कुछ यहां पर आंखें दिखाई, काफी कुछ भड़का, अमेरिका को धमकी भी दी, वो सारी की सारी बातें आपकी यहां पर बनती हैं। लेकिन एक महारानी के अंतिम संस्कार को लेकर के अगर कोई नाराजगी दिखा रहा है, वहां पर सिग्नेचर को लेकर दिखा रहा है, तो ये कहां तक उचित है मुझे तो पता नहीं है, बट फिर भी जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये थी आपकी एक महारानी जिन्होंने 70 साल तक क्या किया, राज किया ब्रिटेन के ऊपर, और जब ये आप इस दुनिया से विदा हो रही थी, तो उस समय 15 देशों की ये राष्ट्र अध्यक्ष थी। सबसे लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, शासन किया, और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों को इन्होंने क्या किया कह सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों ने इनके साथ काम किया, ये भी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। साथ में ही जो ट्रस हैं, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी, वो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जो अब किसी अगले जो इनके बेटे हैं, जिनका कि ये अब राजा के तौर पर या सम्राट के तौर पर उनका नाम की घोषणा करेंगी। तो ये भी जानकारी अच्छी थी आप लोगों के बीच में, मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। तो ये भड़का क्यों चीन, तो चीन इसलिए भड़का कि ताइवान को कहीं राष्ट्र का दर्जा ये ना दें। इसका मतलब सीधा से ये निकल करके आता है कि ताइवान अब किसका हिस्सा नहीं है, चीन का हिस्सा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगती है तो एक बार जरूर क्लास को शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसको भी अगर जो जिन्होंने पहली जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोगों के बीच में हम इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो लेकर के आते रहेंगे। तो हो सकता है अगला जो हमारा जो टॉपिक हो सकता है वो कोहिनूर को लेकर के होगा, क्योंकि महारानी के मृत्यु के बाद कोहिनूर का एक बहुत बड़ी गर्मा गर्मी बहुत से देशों ने डिमांड रख दी है, तो उनमें आपका एक पाकिस्तान भी है जिसने बोला कि कोहिनूर मेरा है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो मेरा इस विषय पर होगा कि पाकिस्तान ने क्यों डिमांड करी आखिर कोहिनूर की, कि कोहिनूर मेरा है। तो चलिए दोस्तों, इंतजार करेंगे, जल्दी ही आप लोगों के बीच में ये भी एक आपके बीच में आ जाएगा कि पाकिस्तान ने कोहिनूर के लिए क्यों डिमांड करी। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।